लगातार पिछले 5 दिनों से सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट के बाद आज एक बार फिर से मार्केट खुलते ही सोने और चांदी की कीमतों में आई तेजी। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके भरोसेमंद यूट्यूब चैनल सरकारी लर्निंग पॉइंट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे आज का अभी का सोने व चांदी का लाइव ताजा भाव क्या रहा और साथ ही जानेंगे आज के 18, 22 व 24 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या रहे। और दोस्तों साथ ही जानेंगे आज सोने व चांदी की कीमतों में कितनी भारी तेजी आई, तो सारी बातें जानेंगे दोस्तों बिल्कुल विस्तार से। दोस्तों भाव जाने से पहले आप अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब ही हमारी मेहनत का फल होता है। दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं आज के चांदी का ताजा भाव क्या रहा। चांदी 1 ग्राम कैरेट 56 रुपए 66 पैसे, 8 ग्राम कैरेट 453 रुपए 33 पैसे, 10 ग्राम कैरेट 566 रुपए 67 पैसे, 100 ग्राम कैरेट 5,666 रुपए व 1 kg कैरेट 56,667 रुपए। वह दोस्तों आज चांदी की कीमतों में 313 रुपए की तेजी आई। दोस्तों अब जान लेते हैं आज के 18 कैरेट सोने का ताजा भाव क्या रहा। आज 18 कैरेट सोने की ताजा कीमत रही 40,180 रुपए प्रति 10 ग्राम। दोस्तों अब जान लेते हैं आज के 22 कैरेट सोने का ताजा भाव क्या रहा। आज 22 कैरेट सोना 1 ग्राम कैरेट 4,842 रुपए, 8 ग्राम कैरेट 38,736 रुपए, 10 ग्राम कैरेट 48,420 रुपए व 100 ग्राम कैरेट 4,84,200 रुपए। दोस्तों 22 कैरेट सोने की कीमतों में कल से आज की बात करें तो दोस्तों आज 22 कैरेट सोने की कीमतों में 2,400 रुपए की शानदार तेजी आई। अगर दोस्तों आप भी अपने गांव व शहर का सोने व चांदी का लाइव ताजा भाव जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने गांव व शहर का नाम लिखना मत भूलना। दोस्तों अब जान लेते हैं आज के 24 कैरेट सोने का ताजा भाव क्या रहा। आज 24 कैरेट सोना 1 ग्राम कैरेट 4,968 रुपए, 8 ग्राम कैरेट 39,744 रुपए, 10 ग्राम कैरेट 49,680 रुपए व 100 ग्राम कैरेट 4,96,800 रुपए। वह दोस्तों आज 24 कैरेट सोने की कीमतों में 3,100 रुपए की शानदार तेजी दर्ज की गई। अगर दोस्तों आप भी रोजाना सोने व चांदी से जुड़ी सही जानकारी जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, जिससे आपको रोजाना सोने व चांदी से जुड़ी सही जानकारी सही समय पर मिल सके।